तो हाय गाइस, फिर से एक बार आप सबका मैं स्वागत करता हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज आप सामने देख सकते हो मैं अपने जितने कड़कनाथ है और टर्की है उन्हें मैं भी ग्रीन फूड मतलब बोल सकते हैं आप। मेरे यहाँ पे एक झाड़ कटा था तो उसका वहाँ पे मैं थोड़े से पत्ते वित्ते डाल के मतलब उनका स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कड़कनाथ टर्की ऐसा है जिन्हें जितना ग्रीन आप दोगे, ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर ग्रीन फूड दोगे, उतना उनको अच्छा मतलब एक इन्जॉय करते हैं फूड को। टर्की तो स्पेशली उनको ज़्यादा ही इन्जॉय करते हैं। और इसमें एक मैंने जो अपनी एक देसी मुर्गी डाली है जिसे मराठी में गावठी मुर्गी बोलते हैं, गावरन, तो वो डाली है। देख, आप सामने देख सकते हैं जो अकेली है, लेकिन वो बहुत इसमें डिस्टर्ब हो चुकी है। उसको मैं बाद में अलग करने वाला हूँ। ये देखिए, बहुत डरती है मतलब सबसे। सब फिलहाल इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अभी मैंने दरवाज़ा खोला तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए सब। और इन्हें भी डाल दिया है, और मेरे जो रैबिट्स हैं उन्हें भी, और जो भी मेरा वेस्टेज निकलता है घर में का मैं उनको वो डालता हूँ। उससे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आ जाता है उनको मतलब ग्रोथ में, मैंने अब देखा है। और ये दो टर्की है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट बुक हो चुका है। अब ये दो तीन दिनों में यहाँ से जाने वाला है। सो इनका यही अपडेट देना था। और किसी अगर टर्की चाहिए रहेगा तो आपको मिल जाएंगी। ये सामने है, फीमेल है, वाइट कलर में है, वो मेल है। और कड़कनाथ की भी अच्छी खासी हेल्थ हो चुकी है अभी। और इनके थोड़े अंडे जो स्टार्टिंग में थे अभी वो बंद हो गए मतलब देना, बिकॉज जगह चेंज हो गई थी, लेकिन अभी प्रॉपर सेट हो गए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इन्हें अपने ओपन स्पेस में छोड़ूँ या ना छोड़ूँ। यहाँ पे स्पेस तो है ओपन, बट मुझे डर लगता है कि समझो अभी यहाँ से गए तो वापस रिटर्न आएंगे कि नहीं, क्योंकि जो मेरी देसी मुर्गी है वो इसमें उड़ी मार के आ जाती थी, बट इनका कुछ पता नहीं है। तो मुझे कमेंट करके सजेस्ट कीजिए। और दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक फाइटर की असील मुर्गी लाया हूँ। सो इसे अभी फ़िलहाल छोड़ा नहीं है, मेरे फ्रेंड की है जो क्रॉस करने के लिए यहाँ पे लाया हूँ। अच्छी साइज़ में है। सो इनको भी अभी बाद में मैं छोड़ूंगा उनके साथ। लेकिन जो अपनी ब्लैक वाली असील की जो मुर्गी है वो उनके अंडे अभी लेइंग स्टार्ट है। आई होप वो दो तीन दिनों में उसके अंडे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 15 अंडे दे दिए उसने, बहुत ही ज़्यादा दिए। तो उन्हें छोड़ के इसे ओपन छोड़ दूंगा और असील की जो मुर्गी है उसको इसमें डाल दूंगा। और अपने रैबिट्स भी अपना ग्रीन वेजिटेबल्स इंजॉय कर रहे हैं। उन्हें टमाटर भी डाला था मैंने। तो अभी देखते हैं कैसे कुछ रिजल्ट है। और जो भी है ये केज में मैंने अपने असील्स रखे, लेकिन असील्स वो आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।